तो हम बात कर रहे हैं कि क्लैरिटी माने क्या। क्लैरिटी क्या नहीं है, इस बारे में एक दो बातें पहले देख लो। क्लैरिटी ज्ञान नहीं है। तुम्हें किसी विषय के बारे में दो चार बातें पता चल गई हैं, इसको बोध नहीं कहते, इसको क्लैरिटी नहीं कहते। शब्द पर ध्यान दो, क्लैरिटी, क्लियर, क्लियर माने साफ, खाली। क्लैरिटी ये नहीं है कि तुम्हें दो चार बातें पता चल गईं। वे आदित्य ने कहा कि आज सुबह से कुछ कॉन्सेप्ट्स पता चले। कॉन्सेप्ट्स का पता चलना क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। क्लैरिटी इतनी सरल चीज़ है कि तुम्हें जब उसका पता चलता है तो तुम राजी नहीं होते। क्लैरिटी का अर्थ है कि जो तुम सोचे बैठे थे बस वो हट गया, क्लियर हो गया, साफ हो गया, खाली हो गया, शून्य हो गया। कि जैसे तुम्हारी मेज पर बहुत कुछ बिछा हुआ था, अब मेज क्लियर कर दी गई, साफ कर दी गई, दिमाग की मेज। बात समझ में आ रही है? तो क्लैरिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कुछ पता चल गया जिसके बारे में अब तुम कह सकते हो। क्लैरिटी का मतलब ये है कि साफ हो गए। ज्ञान में और प्रज्ञान में यही अंतर है। ज्ञान तुम्हें भरता है और प्रज्ञान, प्रज्ञान माने बोध, वो ज्ञान का खिंचाव या विस्तार नहीं है। प्रज्ञान ज्ञान की सफाई है। ज्ञान तुम्हें भरता है और प्रज्ञान का अर्थ है कि भरे हुए से खाली हो गए, यही क्लैरिटी है, क्लियर हो गए। अभी आदित्य ने कहा कि आपने परमात्मा के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए। उपनिषद कहते हैं, महावाक्यों में से एक है, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो परमात्मा क्या है? प्रज्ञान। और प्रज्ञान हमने कहा कि क्या है? ज्ञान की सफाई। तो परमात्मा क्या हुआ? परमात्मा हुआ सफाई। खाली मन ही परमात्मा है, साफ मन ही परमात्मा है। उसके बारे में तुम कोई छवि, विचार या कॉन्सेप्ट बना ही नहीं सकते। समझ में आ रही बात? तो आज दिन भर जो हम साथ थे, उसके बाद रात में कोई कॉन्सेप्ट लेकर के घर मत चले जाना कि ये हमने दिन भर जो सुना या पढ़ा या सर ने जो बातें बोल दी तुमने उनको पकड़ लिया। अगर वास्तव में बोध हुआ है, प्रज्ञान घटा है, तो तुम हल्के घर जाओगे। ये विचार करते हुए नहीं कि आज क्या मिल गया या आज क्या कहा गया। हल्के, हल्के मतलब मन शांत, बस इतना काफ़ी है। और इसी शांत मन का ही नाम परमात्मा है, प्रज्ञानम ब्रह्म। समझ में आ रही बात? भरे तुम हुए हो तो तुम अब जो भी और पढ़ रहे हो, चाहे तुम्हें उपनिषद कहूं पढ़ने को कि कबीर पढ़ो कि बुल्ले शाह पढ़ो, ये इसलिए तुमसे पढ़ने को नहीं कहता हूं कि तुम और ज्यादा ज्ञानी और ज्यादा पंडित हो जाओ। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो कम ज्ञानी हो। ज्ञान का प्रकार अलग हो सकता है, तुम्हारे विचारों में भिन्नता हो सकती है, पर विचारों से भरे तो सारे ही हो ना। और जिन भी विचारों से भरे हो उनको महत्वपूर्ण समझते हो, तभी वो विचार हैं। तो मैं तुमसे कुछ कहूँ, तुम उनको नए तरीके से महत्वपूर्ण समझने लगो, तो कुछ नई घटना नहीं घट गई? पहले कुछ समझते थे कीमती, अब तुम कुछ और समझने लग गए कीमती। तो वास्तविक जो सीखने की घटना घटती है वो बड़ी सरल होती है
और उसमें कोई उत्तेजना या चमक धमक होती ही नहीं है। उसके बाद तुम जा करके किसी को बता नहीं पाओगे कि तुम्हें क्या मिला, क्योंकि कुछ मिलता ही नहीं है, और अगर कुछ मिला है तो तुमने कुछ अभी सीखा नहीं। समझ में आ रही है बात? अगर मिला है तो अभी तुम वही कर रहे हो जो तुम दूसरे दिनों पे करते हो, क्या इकट्ठा कि सूचना का संचय कर रहे हो। आ रही बात समझ में? तो आज का दिन उपयोगी था कि नहीं, सार्थक हुआ कि नहीं, ये जांचने का बस एक तरीका है, तुम हल्के हुए कि नहीं। मन में जो लगातार बज 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 चलती रहती है वो थोड़ी थमी कि नहीं, जो एक अजीब सा अव्याख्य बोझ सा बैठा रहता है, पता नहीं है कि मामला क्या है लेकिन बोझ फिर भी है, वो बोझ जरा कम हुआ कि नहीं। कैसे कम हुआ ये मत पूछना, अगर कम हो गया तो समझ लो कि मामला सार्थक था। उसकी कोई प्रक्रिया नहीं है, वो नहीं पकड़ पाओगे तुम। तुम कहो कि ऐसा ऐसा करने से बोझ ऐसे कम होता है, कि तुम उसमें कोई इक्वेशन बैठा दो कि ऐसा करने से ज़रा 1.5 किलो की कमी आ जाएगी, ये सब कुछ नहीं है। वो तो यूं ही अचानक कोई घटना घटनी है तो हो जाती है। सच्चाई या आध्यात्मिकता इसीलिए आम आदमी को इतनी मुश्किल पड़ती है, क्योंकि वो जटिलताओं का आदि है और यहां मामला बहुत सरल है। पाना जटिलता है, खोना सरलता है। हमारा मन अभ्यस्त है पाने का, क्योंकि आप संसार में हैं तो आपकी प्रगति को नापता ही संसार एक ही तरीके से है कि आपने कितना पाया और कितना पाया। और अगर सच्चाई जाननी है, सफाई पानी है, तो वहाँ खेल खोने का। अब निश्चित सी बात है कि दौड़ दौड़ के पकड़ना ज़्यादा कठिन है बजाय चुपचाप छोड़ देने के, लेकिन चूंकि हमारा सारा अभ्यास दौड़ करके पकड़ने का है इसीलिए हमें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो विचित्र सी बात है, जो आसान है वो मुश्किल, और जो मुश्किल है वो हमें आसान लगता है। तुम लोग आते हो और भी लोग आते हैं, बैठते हैं, अगर मुझे देखना होता है कि किसको वास्तव में कुछ मिल रहा है, तो ये जांचने के लिए मेरे पास एक ही तरीका होता है, कौन हल्का हो गया, किसमें ज़रा बच्चों जैसी सरलता आ गई। और किसके साथ काम बिगड़ रहा है ये फिर जांचने का भी एक ही तरीका है, कि कौन जटिल होता जा रहा है, कौन भरता जा रहा है, किसका अहंकार अब ज्ञान की खुराक ले रहा है और बढ़ता जा रहा है। और जब तुम सरल होते जाते हो ना, तो संसार की नजर में तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी मनोदशा, तुम्हारे कर्म, ये सब मूर्खता के होते जाते हैं, क्योंकि संसार बुद्धिमान समझता ही किसको है, जो जटिल है, जो चालाक है, यहां तक कि कुटिल है, संसार उसको ये समझदार है।
सरल को तो भोंदू या मूर्ख ऐसा ही समझा जाता है। तो वास्तव में जो बोधियुक्त है, जो वास्तव में समझदार है, वो लगेगा कैसा? जरा बेवकूफ, मूर्ख। और तुम्हें ऊपर ऊपर से देखो तो ऐसा दिखाई भी पड़ेगा, क्योंकि तुम चाहो तो उसका नुकसान आसानी से कर सकते हो। एक आम दुनियादार का नुकसान करना आसान नहीं होता। तुम उससे 10 रुपए मांगो तो तुमसे 10 सवाल पूछेगा, ऐसे नहीं तुम उससे कुछ भी ले पाओगे, उसका नुकसान कर पाओगे। पर जो चीजों को जानता है, समझता है, उसका नुकसान करना जरा आसान होता है। तुम उसे कहोगे कि 10 रुपए दे दो तो तनाव नहीं लेगा, वो थमा ही देगा तुम्हें कि ले जाओ। तुम्हें क्या लगेगा कि वो कैसा है? तुम कहोगे बेवकूफ है, तुम्हें पता भी नहीं है कि उसने जो तुम्हें दिया उसकी नजर में उसकी कोई कीमत नहीं थी, और जो उसने बचा लिया वो बड़ा कीमती था। उसने क्या बचा लिया? उसने शांति बचा ली, उसने अपनी स्थिरता बचा ली, उसने अपना अनछुआपन बचा लिया, उसने अपने आप को शक करने से बचा लिया, उसने करोड़ों बचा लिए। पर तुम्हें क्या लगेगा कि उसने 10 कमा दिए? तो ये दृष्टि का अंतर है। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें दिखाई क्या दे रहा है। अगर दृष्टि तुम्हारी मोटी है, स्थूल है, तो तुम्हें 10 का खोना दिखाई देगा, और दृष्टि तुम्हारी जरा साफ है, निर्मल है, सूक्ष्म है, तो तुम्हें करोड़ों का बचना दिखाई देगा। इसमें कोई एक मापदंड नहीं है, ना हो सकता है। तो इसमें तुम किसी आम सहमति की अपेक्षा मत करना कि दुनिया भी माने कि हमें कुछ मिल गया है। दुनिया की नजर ही दूसरी है भाई, दुनिया कैसे मान लेगी तुम्हें कुछ मिल गया है? वो नाप ही दूसरे धागे से रहे हैं, उनका फीता दूसरा है। तुम अपने पास अपना फीता रखो और अपने आप को उसी से नापना। और नापना कैसे? कि दिन ब दिन घट कितना रहा हूं। दुनिया जब नापती है तो क्या नापती है? कितना बढ़ रहा हूं। दिन ब दिन कितना बढ़ कितना रहा हूं। तुम अपने आप को नापना कि दिन ब दिन खो कितना रहा हूं। जितना खोते जाओ उतना तुमने पाया। खोने से घबराना मत। जो भी खोगे वो कोई बहुत कीमती नहीं हो सकता। बहुत कीमती होता तो तुम खो कैसे देते? आ रही बात समझ में? ज्ञानी मत बन जाना। आज मैंने तुमसे बड़े विस्तार में बड़े होने की बात करी थी ना, करी थी कि नहीं? Yes, sir. अब मैं तुमसे कह रहा हूं बड़े होने का मतलब होता है छोटे हो जाना, छोटा हो जाना, बच्चा हो जाना। तो दिन में मैंने तुम्हें बार बार झकझोर के कहा कि बड़े हो जाओ, और तुमसे कह रहा हूं बच्चे हो जाओ। जो बच्चा हो गया वही बड़ा हुआ। तुम आज उनको देख रहे थे, उनके चेहरे
पे दोनों बातें तुम्हें एक साथ दिखेंगी, मर्दानगी भी और मासूमियत भी। कपट नहीं दिखाई देगा, कपटी होते तो जान नहीं दे देते, जान बचा जाते, बहुत तरीके थे जान बचाने के, पड़ते ही क्यों पछड़े में। कपटी नहीं थे, मर्दानगी, वयस्कता, परिपक्वता और मासूमियत, सरलता, निष्कपटता, ये एक साथ चलते हैं। अरे बात समझ में, तो बड़ा कौन हुआ? जो बच्चा हो गया। अब मैं तुमसे कह रहा था कि बड़े हो जाओ, तो इसका क्या मतलब है कि तुम अभी बच्चे हो? तुम ना बच्चे हो ना बड़े हो, तुम पता नहीं कहाँ खड़े हो। दोनों में से किसी भी दिशा जाओ, एक ही जगह पहुंच जाओगे। बच्चे ही हो जाओ तो भी तुम बड़े हो गए, और बड़े ही हो जाओ तो भी तुम बच्चे हो गए। अरे बात समझ में, बड़े होने का मतलब चालाकी से लन मत लगा लेना। हमारा दिमाग कुछ ऐसा है कि वो सारे अर्थ अपने अनुरूप कर लेता है। मैं तुमसे कहता रहा जरा वयस्कता साधो, उसका ये अर्थ लेके घर मत चले जाना कि होशियारी जरा बढ़नी चाहिए, भाई अब हम बच्चे नहीं हैं। झेल लो नुकसान, बच्चे हो जाओगे तो नुकसान होंगे, बिल्कुल होंगे। पर ध्यान रखना इस बात को कि मिला क्या है। विस्तार में कमी आएगी पर खूब गहराई मिल जाएगी। विस्तार समझते हो, लंबाई चौड़ाई, कितना पाया हुआ है, कितने समय तक खींच रहे हो, हो सकता हो कम हो जाए, पर जितने भी समय तक रहोगे तुम्हारा होना गहरा होगा, तुम्हारा होना हार्दिक होगा। जैसे फूल होता है ना, कम समय के लिए होता है लेकिन जितने दिन होता है उतने दिन उसकी शान देखो, उसका सौंदर्य देखो। विस्तार नहीं है फूल की जिंदगी में, गहराई है। दुनिया तुम्हें विस्तार की ही सीख देगी, वो तुम्हें ऐसे नापेगी कि कितना ज्यादा, कितना गहरा नहीं, वो तुम्हें ऐसे नापेगी कि तुम कितने लोगों को जानते हो, तुम्हें ऐसे नापेगी कि तुम्हारे घर में कोई उत्सव है तो कितने चेहरे नजर आ रहे हैं। वो ये नहीं देख पाएगी कि उन चेहरों से तुम्हारे संबंध में गहराई कितनी है, प्रेम कितना है, हृदय कितना है, ना। वहां तो बस ये नापा जाएगा, अच्छा बड़ी भीड़ आई थी, विस्तार नापा जाएगा। वो तो यही नापेगी कि कितने साल जिए, और तुम्हें आशीर्वाद भी बस यही मिलता है ना, क्या आयुष्मान भव। कोई तुम्हें ये आशीर्वाद देता ही नहीं कि जितना भी जियो पूरा जियो, सब बस यही चाहते हैं कि समय लंबा हो जाए, उसमें कुछ खास फिट रखा नहीं है।
मैं नहीं कह रहा हूं कि समय छोटा होना चाहिए, विस्तार है तो ठीक है, पर विस्तार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है गहराई। नहीं तो तुम 100 साल जियो कि 10 साल जियो, फर्क क्या पड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे परिचय का दायरा छोटा होना चाहिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि 4 लोगों से भी तुम्हारे संबंध हैं तो संबंध दिली हैं, असली हैं, ऊपर ऊपर वाले नहीं हैं। बात यह नहीं है कि तुम हर महीने कमा कितना पाते हो, वो तो विस्तार की बात हुई ना। बात यह है कि प्रतिक्षण महसूस कैसा करते हो, क्या काम ऐसा है तुम्हारा जो तुम्हें गहराइयों में ले जाता हो, या काम ऐसा है तुम्हारा जो तुम्हें सतह सतह पर ही रखता है। अब तुम्हारे सामने ये सब मौके आ रहे हैं जब तुम्हें चुनाव करना पड़ेगा। आज मैंने तुमसे कहा था कि जब भी कोई निर्णय करते हो तो उसमें एक तरफ आजादी होती है और एक तरफ गुलामी होती है। उसी बात को अब दूसरे तरीके से कह रहा हूं कि जब भी तुम कोई निर्णय करते हो तो उसमें एक तरफ विस्तार होता है और एक तरफ गहराई होती है। तुम गहराई के पक्ष में खड़े होना, विस्तार के पक्ष में नहीं। आ रही बात समझ में? गहराई और आजादी एक साथ चलते हैं, विस्तार और गुलामी एक साथ चलते हैं, क्योंकि विस्तार होता ही संसार में है और जहां संसार है वहां बंधन है। संसार में जितना फैलोगे, मुफ्त नहीं फैलोगे, कीमत दे दे के फैलोगे, और वो कीमत होती है तुम्हारी आजादी की। आ रही है ना बात समझ में? दो रोटियां खाओ पर आजादी में खाओ, दो रोटियां खाओ पर जिसके साथ खाओ उससे प्रेम हो। खूब रखा है तुम्हारे सामने, हाँ, भरी हुई है मेज, और तुम्हें पता है कि अपने आप को बेच करके ये खाना तुम्हें मिल रहा है, तो लानत है ना ऐसे खाने पे, लानत है ना ऐसे पकवानों पे, बोलो है कि नहीं? कम मिले जी लेंगे, अच्छा है बीमारियां कम होंगी, कम खाने से कम लोग मरते हैं, पता है ना, ज्यादा लोग ज्यादा खाने से मरते हैं, अच्छा है कम मिले, ठीक, अच्छा है तुम्हारे पास कम चीजें रहें, देखभाल कम करनी पड़ेगी, चोरों का खतरा कम रहेगा, डरोगे कम, इंश्योरेंस कम करना पड़ेगा, अच्छा है कम संबंध रहे, मन पे बोझ कम रहेगा, कम लोगों को हैप्पी बर्थडे। अरे वो बहुत बड़ी नियामत होती है अगर बच गए। दो ही चार लोगों को जानो, पर जिनको जानो उनको पूरा जानो, फिर वहां भरोसा ऐसा हो कि धोखा नहीं हो सकता। फिर उसके आगे की एक बात बताता हूं, जो गहरा जाता है वो गहरे उतरते उतरते एक बिंदु ऐसा पाता है जहां से विस्तार अपने आप शुरू हो जाता है। गहरे जाने की जो यात्रा है उसमें शुरुआत में विस्तार का संकुचन है, विस्तार कम हो रहा है और मन गहरे उतरता जा रहा है, उतरता जा रहा है, विस्तार की परवाह नहीं कर रहा, और गहरे उतरते उतरते एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां से विस्फोट होता है।
और विस्तार अपने आप बढ़ जाता है। पर तुम उस बिंदु की तलाश में गहरे नहीं उतर सकते। जो उतरता है गहरे, वो तो गहरे इसलिए उतरता है क्योंकि उसे गहरे उतरने में आनंद है। समझ रहे हो? सरलता और गहराई, इनको एक जानना, परिपक्वता और सरलता इनको भी एक जानना, मूर्खता को सरलता मत समझ लेना। मूर्खता में कोई गहराई नहीं होती। हम अक्सर भोलेपन और भोंदूपन को एक ही समझ लेते हैं। भोला होना भोंदू होना नहीं है। भोंदू मूर्ख है, भोला सरल है, और जो सरल है उसके पास बहुत गहरा बोध है। इसीलिए मैंने कहा कि सरलता और गहराई एक साथ है। सरलता यूं ही नहीं आ जाती, सरलता बड़े गहरे बोध से आती है। और बोध क्या है? सफाई। जितनी तुम्हारी सफाई है, जितना निष्कलंक तुम्हारा मन है, उतना गहरा तुम्हारा बोध है। और इसी निष्कलंकता को सरलता भी कहते हैं, कि गांठें हैं ही नहीं। गांठें हैं ही नहीं। जैनों में उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, निर्ग्रंथ। ग्रंथियां हैं ही नहीं। मैं सावधान कर रहा हूं फिर से, इन दोनों बातों को अलग अलग मत समझ लेना, कि सरल होना और समझदार होना दो अलग अलग बातें हैं। जो बिल्कुल बच्चे जैसा है, सिर्फ वही प्रकांड विद्वान है। तुम्हारे मन में विद्वत्ता की जो छवि है वो बड़ी गड़बड़ है। छवियां होती ही गड़बड़ है। तुम्हारे मन में अगर मैं कहूं विद्वत्ता, तो छवि क्या आती है? कोई ऐसा जो बहुत कुछ जानता है। मैं तुमसे कह रहा हूं विद्वान वो जो कुछ न जानता हो। जितना तुम्हारा जानना कम हुआ, उतनी तुम्हारी विद्या गहरी हुई। विद्या का अर्थ ही यही है, न जानना। जानना तो अविद्या है। अविद्या माने माया। बात समझ में आ रही है? विद्वान कौन? जो न जाने। और जो न जाने वो सब समझता है। जो जानता है उसे कुछ समझ में नहीं आता। जो जानता है उसके पास बोध नहीं होता, उसके पास जानकारी होती है। साहब आप इतना जानते हैं तो आपके पास जानकारी है। जानकारी में समझदारी के लिए जगह कहां बची? थोड़ा कम जाना होता तो समझदारी के लिए भी जगह बचती। कंप्यूटर सिस्टम में भी देखा है ना, उसमें जैसे जैसे डेटा भरता जाता है, प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। आदमी उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर जितना तुम उसको भरते जाते हो, वो उतना उसको समझ में आना बंद हो जाता है। ऐसा मूर्ख हो जाता है कि छोटी छोटी बातें भी फिर दो दो मिनट लगते हो समझ में आने में। जितना भरोगे उतना समझ में आना मुश्किल। जो सिस्टम लगातार हैंग ही रहे उसको जानते हो, पंडित सिस्टम है ये। इतना जानता है कि अभी से कुछ भी बोलो तो ये उलझ ही जाता है।
दब गया है अपनी जानकारी के बोझ तले। खाली रहना वही क्लैरिटी है, क्लियर रहना, मत जानना और भरोसा रखना कि बिना जाने तुम सब जानते हो, ये भरोसा रखना। बिना जाने तुम सब जानते हो और जैसे ही तुमने जानना शुरू किया तुम्हारी मूर्खता शुरू हो जाती है। ये भरोसा कि बिना जाने सब जानता हूं क्या कहलाता है? श्रद्धा। यही श्रद्धा है कि पता तो कुछ नहीं पर सब पता है। यही श्रद्धा है कि हमसे लिखवाओगे कि हम क्या जानते हैं तो हम क्या लिखें, बुद्धू हैं बिल्कुल। पर जिंदगी जब सामने आएगी, जब मौका उठेगा तो हम भी उठ जाएंगे। अभी इम्तिहान ले रहे हो हमारा, हम कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि मौका ही नहीं है। हम तो सिर्फ लाइफ टेस्ट में आंसर लिखते हैं और लाइफ टेस्ट किसको बोलते हैं? जीवन को। यहाँ पे हर चीज रियल टाइम है, जिंदा है, तत्काल है। जब मौका आएगा तब खेलेंगे, अभी क्या है? नेट प्रैक्टिस मत कराओ, मौका आएगा तब देखना, खेल लेंगे। कैसे खेल लोगे बिना तैयारी के? ऐसे ही। यार रिहर्सल तुम करते नहीं, तुम खेल कैसे लोगे? रिहर्सल नहीं करते तभी तो खेलेंगे। तुम रिहर्सल करते हो तभी तो खेल नहीं पाते। इतना अभ्यास करा, इतनी प्रैक्टिस करी कि अभ्यास में ही उलझ गए। दुनियादारी की चीजों में अभ्यास काम आता है और जो असली बातें होती हैं जिंदगी की, आजादी, प्रेम, सच्चाई, शांति, जिनके दम पे तुम जीते हो, वहां पर अभ्यास बाधा बन जाता है। तो अभ्यास की उचित जगह क्या है ये याद रखना। सर आपने जैसे एक बात हल्केपन को लेके बोली थी कि अगर हल्कापन होगा तो ही समझना है, कुछ समझ में आया है, कंसेप्ट लेके करनी जा रहे हैं। सर ये चीज़ ऐसे मैं पूरी तरह से हमारी जो अकेडमिक पढ़ाई होती है वहाँ पे भी लागू होती है कि हमारे से बहुत बार होता है कि दिमाग में वो घूम रहे होते हैं कंसेप्ट, तो एक कॉन्फिडेंस नहीं आता और एक वो होती है कि सरल भाषा में सब कुछ समझा दिया। हाँ सब समझा दिया, वही हल्कापन। और भूले हुए हैं, स्मृति के दम पे नहीं जीते, स्मृति के दम पे नहीं जीते। मेमोरी मिनिमम है, बाकी काम चेतना करती है। ये दो अलग अलग तरीके हैं जीने के, एक मेमोरी बेस्ड और एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। मेमोरी भी चाहिए पर वो जितनी कम रखी जाए उतना अच्छा। कि स्मृति है पर सहायक की तरह है, मुख्य बात नहीं है वो। जीते हम अपनी चेतना के दम पे हैं। सवाल जब सामने आता है तो हम ये याद करने की कोशिश नहीं करते कि ऐसा कभी पहले किया है कि नहीं। जब सवाल सामने आता है तो हम डूबते हैं उसमें और उस डूबने से ही मामला खुल जाता है, सब सुलझ जाता है। ये दो अलग अलग तरीके हैं जीने के, समझ रहे हो ना? अंडरस्टैंडिंग से एक्शन निकलता है।
राज जैसे आपके आंसर पहले वीडियो सुन रहे थे, तो रिलेशनशिप और रिलेटिंग रिलेटिंग पे कि रिलेशनशिप कैसे बोलते हैं और रिलेटिंग कैसे बोलते हैं, ये चीज़ वहीं पे आ गई बिल्कुल। जो जटिल मन होगा उसके लिए रिलेशनशिप है, और सिंपल है उसके लिए बस रिलेटिंग हर चीज़ में आ जाती है बेटा। जैसे अभी मैंने कहा तुम्हारे सामने एक सवाल आया, अब तुम उसको स्मृति से देख सकते हो या चेतना से देख सकते हो। ठीक इसी तरह तुम्हारे सामने एक इंसान आया, तुम उसे स्मृति से भी देख सकते हो कि ये कौन है, दोस्त है कि भाई है कि माँ है या बेटी है। गलती हो जाएगी, बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है कोई सामने आया है तो उसके बारे में कुछ बातें तो याद आएंगी, नाम ठीक है याद आएगा, भूल मत जाना कि उसे 200 रुपए लिए थे, ये याद रखना ये याद रहना चाहिए। तो स्मृति का कुछ तो काम है ही, लेकिन अगर यही बस याद रहा कि ये मेरा बेटा है कि बेटी है कि भाई है, तो उसके साथ कभी हो नहीं पाओगे, कोई तुम्हारा वास्तविक रिश्ता बन नहीं पाएगा उसके साथ। जहां बनना है वहां बन नहीं पाएगा, और जहां टूटना है वहां तुम टूटने भी नहीं दोगे, बहाव नहीं रहेगा, यादें रहेंगी। Bari.